बस आगे आएंगे बस मैडम जी बस। एक बार और यहाँ देखिए, वो तो भी हो गया, मेरा तो हो गया, अभी तू हटने देगा तो हटूंगा। बात कुछ मत कर, डन नहीं, वेट वेट सेंटर। अच्छा ठीक है, चलिए मैडम को सोलो सेंटर सेंटर। ये पोडियम गिरा दो, गिरे तुम लोग से। हाँ मैडम जी, सेंटर सामने देखिए। कैसे हो मैडम? मैडम जी सेंटर, मैडम जी यहाँ पे, यहाँ पे सामने 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 सेंटर, यहाँ पे सामने 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 सेंटर सेंटर लुक सेंटर लुक। चलिए हो गया, थैंक यू, आइए मैडम। हो गया सर। अच्छा आपका बाकी है? रुकिए मैडम जी, रुकिए, इनका बाकी है। क्या कर रहे थे आप लोग से? अच्छा अच्छा बोलो तो सही, कम से कम हम दो ही जाने फोटोग्राफर। इनको देखिए, इनको देखिए। अरे इधर भी देख लेंगे जो मत। अरे उनको होने दे, चलिए मैम पे भी देखिए हमारे पास। आइए मैडम जी, आइए आइए मैडम जी, और एकदम सामने देखिए, एकदम यहाँ पे सामने हाथ दिखा रहा है मैडम जी। यहाँ पे सेंटर सेंटर में, क्या बात है, सेंटर में आइए। बस बस बस, हाँ बस। इधर देखिए ये कैमरा, इधर लाइट जल रहा है। मैं ओजी कैमरा थैंक यू। वो आते डांटने लग गए हमें, आप यहाँ के नहीं देख रही हैं। बताइए बोलो साहब, वेयर राइटर, सो शी इज गोना टेल यू गाइस। पटोलास फॉर मी आर पटाकास, पटाकी लड़कियाँ जो पंजाब से आई हैं। ऐसा उड़न हमारे प्रोड्यूसर्स ने रखा था, जो अपनी ख्याली पुलाव में रहती हैं, अपनी दुनिया में रहती हैं, गवाची गाँव बोलते हैं पंजाब में, दैट्स व्हाट उड़न पटोला रियली मींस। Yeah, I was just gonna say I like the sound of it because proper patola and udan khatola sort of makes udan patola. Yeah. So love the sound of it. They're actually like hot and sexy girls who are just about to take a flight into their new world to Mumbai. That is what udan patolas is. Actually, yeah. When we were writing the show at that point, proper patola song had come out, and when I heard it, I thought the song was amazing. So I think that's where the word patola actually originated from. But udan bhi yahi hai ki wo apne khayali pulao mein udti rehti hai, pair zameen pe hai hi nahi unke. So also shoot kahan hua hai, kaise kiya hai, kitna enjoyment hua hai, firstly I need to know whether you've seen the show or not, because if you would have seen the show you would have known that itna maza aaya tha mere shoot karne ke time. ये हमारी केमिस्ट्री जो है ना, ऐसे उबल उबल के आ रही है सारे सीन्स में। मैंने आज सारे 6 एपिसोड्स देखे हैं, इट्स अ लाफ्टर राइट, दैट्स एग्जैक्टली हाउ वी वर ऑन सेट। बहुत ज्यादा मजा आया था, हम रिहर्सल के टाइम पे भी हंस पागल हो जाते थे, हमें 10-15 मिनट लगते थे टू काम डाउन। और मैंने तो शो लिखा है, मुझे पूरी स्क्रिप्ट बाय हार्ट पता है, बट फिर भी कल रात को मैंने एक सीन रिवाइंड कर करके हंस हंस के हमारे आंसू निकल गए थे। अब पता नहीं वो
थके हुए थे कि क्या था वैनिटी डोर्स वुड शट फ्रॉम विद इन. मतलब हम कनेक्टेड होते थे पूरा दिन एंड और ऐसा कभी नहीं हुआ कि यार बंद करो इसको नहीं बैठना इनके साथ. आल्सो बिकॉज़ इनकी वैनिटी वैन में खाना बड़ा अच्छा होता था घर का खाना इसलिए भी या वी हैड अ लॉट ऑफ फन. एंड हमारे जो डायरेक्टर हैं शक्ति सागर चोपड़ा आई थिंक ही हैड अ ग्रेट टाइम मेंटरिंग ऑल फोर गर्ल्स क्योंकि सबको चुप कराना एक टाइम पे बहुत डिफिकल्ट था एंड लिटरली ही वुड हैव टू गो ऑन द माइक लाइक शट अप गर्ल्स लेट्स शूट. इट वाज अ लॉट ऑफ फन. Yes, be yourself. Never be afraid to showcase your true self. क्योंकि अगर shortcut लोगे by being pretentious, वो तुम मुँह के बल ही गिरोगे. जो आप देखेंगे हम बहुत बारी गिरते हैं. Yeah. So basically, everybody tries to fit in when they move to a new city or when they're going up the ladder in the society circle. सब अपने आप को change करने लगते हैं and that's the whole quest of Udan Patola कि कैसे वो बॉम्बे में आके अपने आप को fit in करने की कोशिश करते हैं. But in that whole journey, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता the whole story, the moral of the story is literally don't change yourself, just be yourself. Right. Actually क्या होता है अगर आप में भी यहाँ पे कोई लोग हैं जो छोटे शहर से हैं जब हम छोटे शहर से बड़े शहर में आते हैं पता नहीं क्यों हमें एक एक कॉम्प्लेक्स होता है कि हम शायद बॉम्बे वाले लोगों के जितने कूल नहीं हैं. ऐसा कुछ नहीं है. हमारे स्टोरी में आप यही देखेंगे कि आप जैसे भी हो छोटे शहर से हो बड़े शहर से हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इट्स योर इनर ब्यूटी that will make you shine in any city and that's aapki unique selling proposition jo usp hoti hai jo proposition hota hai wo aapka hi hai wo noori hai wo punni hai main lovely hu aur ye amrit hi hai aur aapke jaisa koi aur hai hi nahi duniya mein khatam baat absolutely.